हाय गाइस, सो आज हम आए इंडिया के फर्स्ट डिवोशनल थीम पार्क में, जिसका नाम है साई तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क। सो अभी हम टिकट्स लेंगे, राहुल गए टिकट्स लेने, एंड उसी के अपोजिट सबसे अच्छी चीज़ आपका है एक वाटर पार्क, वेट एंजॉय वाटर पार्क। पहले आप दर्शन कीजिए, फिर आप एंजॉय कीजिए टिकट। ये थीम पार्क साई बाबा मंदिर से 5 से 10 मिनट की दूरी पे ही है, जिसकी टिकट 530 रुपीज़ है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे साई बाबा जी की लाइफ को बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ अंदर का एरिया इतना सुंदर है कि बहुत अच्छा लगता है, और आप अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर 4 आकर्षण हैं, जिनका नाम है तीर्थ यात्रा, लंका दहन, सबका मालिक एक और द्वारका माई। इनमें हम छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखाएंगे। एंट्री करने के बाद ही सबसे पहले तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम है। जल्दी चलो, इधर से फटाफट चलो, फटाफट। गाइस रन। स्टार्ट हो गया। अच्छा, गाड़ी भी दिखाएंगे सामान? नहीं, अपना गाड़ी भी बताओ। इस सवारी में सिद्धि विनायक, केदारनाथ, तिरुपति और मदुरई जैसे भारत के सबसे शुभ और भव्य मंदिरों को दिखाया गया है। ये तीर्थ यात्रा एक मिनी ट्रेन में बैठ के की जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है, इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक, यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। बद्रीनाथ आने वाले हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण, इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ सौ साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। हाँ,
महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध चार धामों में से एक है और चार धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 30,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। अनुमति दे साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। तो अब तीर्थ यात्रा के बाद है लंका दहन की बारी, जो कि एक 5D मूवी है और इसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है। ऐसी मूवीज को शूट करना अलाउड नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ एज अ इन्फॉर्मेशन के पर्पस से ही दिखाया है। भगवान हनुमान जी के लंका प्रवेश से लेके लंका दहन तक की कहानी को 5D फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। 100% आपको बहुत मजा आएगा यहाँ आने के बाद। लंका दहन कर लो गाइस। 5D शो में स्वागत है। तीसरे नंबर पर हमें 1 घंटे की मूवी दिखाई जाती है, जिसका नाम है सबका मालिक एक। साईं बाबा की बचपन से लेके उनकी समाधि तक की ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी दिखाई जाती है। मूवी स्टार्ट होती है एक स्मॉल टाउन विलेज से, जहां उनका जन्म हुआ था और उनकी डिवाइन क्वालिटीज़ सबके सामने आने लगती है और जो जो चमत्कार उन्होंने किए वो सब दिखाया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट है बाबा जी के लिए। बीच में जब हम अगले शो के लिए जा रहे थे
तब यहाँ साई बाबा के रूप में सबको आशीर्वाद देने के लिए किसी को रेडी किया गया था और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग था। गूज बम्स आ रहे थे हमें उस टाइम। और लास्ट में एक लाइटिंग के जरिए एक शो दिखाया जाता है जिसका नाम है द्वारका माई। यहाँ पर बाबा ने 60 वर्षों तक निवास किया था और यहीं बैठ के वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। सब कुछ देखने के बाद शाम को 7 बजे से 9 बजे तक इस ज्ञान व्हील पर एक लेजर शो दिखाया जाता है जो हम देख नहीं पाए पर एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए, सब लोग ऐसा कहते हैं। लेजर फॉर्मेट में दिखाया गया है कि कैसे साईं बाबा जी सब लोगों की मदद करते हैं। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग जब भी शिरडी जाए इस डिवोशनल थीम पार्क में जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।